अगर आप उन यूजर्स में से हैं जो बैंकिंग ऐप का यूज़ करते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सरकार ने अभी कुछ एंड्रॉयड ऐप्स को लेकर एक अलर्ट जारी किया है जिसमें स्पेशली एंड्रॉयड यूज़र्स को टारगेट किया जा रहा है। सो ये पर्टिकुलरली उन यूज़र्स के लिए है जो यूनियन बैंकिंग ऐप का यूज़ करते हैं। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐसे ऐप को स्पॉट किया गया है जो कि यूनियन बैंक का ही एक फेक ऐप है और वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और बहुत सारे यूजर्स हैं जो ऐसे ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा ऐप रियल है या फिर कौन सा ऐप फेक है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप फेक ऐप की कैसे पहचान कर सकते हैं। सो ये जो फेक ऐप है इसका नाम है unionrewards.apk। ये एक फिशिंग ऐप है और एक फेक ऐप है जिसे यूजर्स के साथ स्कैम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसे ना बहुत तरीके के ऐप्स होते हैं जो अभी भी ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऐसे में बीइंग अ यूज़र ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन ऐप्स की पहचान करें और यूज़ करने से पहले हमेशा उन्हें रीचेक कर लें और अलर्ट भी रहे। तो इसे लेकर सरकार की एक सिक्योरिटी एजेंसी साइबर दोस्त ने अपने ऑफिशियल पोस्ट में एक इमेज शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये एक फेक तरीके का ऐप जो है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ये एक नकली ऐप है स्पेशली जो यूनियन बैंक यूज़र्स हैं उनके लिए। सो अगर आप भी एक यूनियन बैंक यूज़र हैं और आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें अलर्ट रहिए कि कहीं आप इस फेक ऐप का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। सो बहुत से यूज़र्स हैं जिनको इस फेक ऐप से मैसेजेस भी आए हैं। व्हाट्सएप के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी एक लिंक जारी किया गया है। तो ऐसे में आप अलर्ट रहें, ध्यान दें, इस तरीके के फेक ऐप से हमेशा बचें। इससे पहले साइबर दोस्त ने कुछ फेक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप्स को लेकर भी एक अलर्ट जारी किया था जिसमें बहुत सारे ऐसे फेक ऐप्स मौजूद हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर। तो इसमें बहुत सारे ऐप्स का नाम भी लिस्ट किया गया था। सो साइबर दोस्त ने यूज़र्स को अलर्ट किया था कि उन्हीं ऐप्स को डाउनलोड करिए जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं या सेबी वेरीफाइड स्टॉक ट्रेडिंग ऐप्स होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आमतौर पर ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में या फिर बहुत सारे स्कैमर्स जो हैं यूज़र्स को ईजिली टारगेट कर पाते हैं ऐसे स्टॉक ट्रेडिंग ऐप्स के ज़रिए जो कि फेक होते हैं, और ये आपके अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है, आपका पर्सनल डेटा है, उसको चुरा सकते हैं और आपके साथ ईजिली फ्रॉड कर सकते हैं। इससे पहले SBI ने भी यूज़र्स को अलर्ट किया था अपने पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए, जिसमें व्हाट्सएप पर बहुत सारे यूज़र्स के पास मैसेज आया था और SMS भी आया था कि अगर आप अपने अकाउंट में पैन कार्ड की डिटेल्स को वेरीफाई नहीं करेंगे या दोबारा रीचेक नहीं करेंगे, अपलोड नहीं करेंगे, तो आपका जो SBI योनो अकाउंट है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो स्कैम्स हैं और मेल्स आते हैं, SMS आते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इनको एक बार वेरीफाई ज़रूर करें और किसी भी ऐप या वेबसाइट को ऑफिशियल सोर्स के ज़रिए ही डाउनलोड करें। तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ ज़रूर यूज़ करें जो यूनियन बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं या यूनियन बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं, तो उन्हें अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर आपके साथ भी इसी तरीके का कोई फ्रॉड हुआ है या फिर आपने अभी तक इस ऐप को डिलीट नहीं करा है तो तुरंत जाके इस ऐप को अनइंस्टॉल करें, और अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है तो हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक भी करें और इस तरह के अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।